इस आंगन की बलिहारी जाऊं, जहां पर मुझे भंते गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला और जिस आंगन में भगवान आदिनाथ की महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामृत स्तोत्र की जो पवित्र भावधारा है उसमें बहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बहाना चाहे कोई भी हो, जो बहाना हमें भगवान से मिलाता है, जो बहाना हमें परमात्मा के निकट लेकर के आता है, वही बहाना ही तो साधना है, वही भावना ही तो मंगल अवसर है। और ये मंगल अवसर जिस घड़ी में उपलब्ध होता है, जिस स्थान पर प्रकट होता है, वो घड़ी वो जगह अद्भुत होती है। तो पहले हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करें, जो इस आंगन में बैठे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं वे भी। कि ये शुभ घड़ी है, ये सौभाग्य है कि हमको इस युग के आदिकर्ता, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की गुण सरिता कहें या गुण सागर कहें, उसमें डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जितना जितना आप अहो भाव में आते जाओगे, उतने उतने आप अंदर से ताजा होते जाओगे, और जितनी ताजगी आती जाएगी आपकी बंदगी में, उतनी ही गहराई आती जाएगी। जितनी अंदर फ्रेशनेस रहेगी आप उतने ही हल्के और फुलके रहेंगे, और इस हल्की फुलकी अवस्था में परमात्मा के सानिध्य का आनंद ले पाएंगे, उनकी भक्ति हमारा आनंद बनने लगेगी, उनकी भक्ति हमारी मस्ती बनने लगेगी, और यही भक्ति हमारे सम्यक्त्व की उपार्जना में काम आ सकती है, और यही सम्यक्त्व हमें परमात्मा की शरण देगा, और यही शरण हमको जन्म मरण से मुक्त करेगा। तो एक बार आज के श्लोक बड़ा प्यारा है, 13वां श्लोक है, उसमें प्रवेश करें। एक प्यारा सा गीत है, अगर महसूस करोगे इस गीत में आज के श्लोक की, श्लोक का प्रतिबिंब नजर आएगा अगर महसूस करोगे। ये शब्द तो उर्दू के हैं, वो शब्द तो संस्कृत के हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है शब्द उर्दू के हों या संस्कृत के हों या हिंदी के हों, वो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं।
जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। वे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से परमात्मा हमारे अंदर उतर सकता है। बस शब्दों के साथ भाव और जुड़ जाए, आनंद आ जाए। यही हसरत तलब है, यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए, मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे भक्तों की महफिल में मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे संतों की महफिल में यही हसरतें तलब है, यही आरजू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरजू है दिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे प्यारों की महफिल में मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे भक्तों की महफिल में। फूलों की ताजगी में, चंदा की चांदनी में, फूलों की ताजगी में, चंदा की चांदनी में, जो बात देखी तुझ में, जो बात देखी तुझ में, वो देखी नहीं किसी में, जो बात देखी तुझ में, वो देखी नहीं किसी में, यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे भक्तों की महफिल में मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे संतों की महफिल में। देखिए दिल और दिमाग का क्या खेल है। मेरा दिल ये चाहता है, मैं ये ही सोचता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है, मैं ये ही सोचता हूँ, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा ना आए, अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरा न आए, अब मेरी जिंदगी में यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए, मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे संतों की महफिल में मेरी जिंदगी बीत जाए, तेरे भक्तों की महफिल में। और भी प्रभु,
तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ, बड़ा लुत्फ आ रहा है, आनंद आ रहा है, बंदे को बंदगी में आनंद आ रहा है, बंदे को बंदगी में यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, यही हसरत तलब है, यही आरजू है दिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए भक्तों की महफिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए संतों की महफिल में। आखिरी में क्या कहता है, मेरी आखिरी तमन्ना तो कबूल का शिकार ले, मेरे आखिरी तमन्ना तो कबूल का शिकार ले, मिट जाऊं तेरी यादों में, मिट जाऊं तेरी यादों में, या आ जाओ मेरे दिल में, मिट जाऊं तेरी यादों में, या आ जाओ मेरे दिल में, आ यही हसरतें तलब है, यही आरजू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरजू है दिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए, मेरी जिंदगी बीत जाए तेरे भक्तों की महफिल में, मेरी जिंदगी बीत जाए तेरे संतों की महफिल में। ये जो हसरत है, ये जो आरजू है, ये जो तमन्ना है कि ये जिंदगी बीत जाए तेरे भक्तों की महफिल में, ये श्वासों का धन लग जाए, परमात्मा की खिदमत में मुझे फुर्सत मिल जाए, खुदा से मोहब्बत में, यही 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 प्यास हमें उसके निकट लेकर जाती है, यही प्यास अरदास बनती है, इसी प्यास ने आचार्य मांटू के उस काल कोठड़ी में भगवान आदिनाथ की अनुभूति करा दी। ये जो तल्लीनता है, ये जो तन्मयता है, ये जो हूक या पुकार है, कहीं पर भी बुला देती है अपने दिलवर को। इसके लिए कोई स्थान विशेष नहीं होता, वही स्थान विशेष बन जाता है जहां हमें विशेष की याद आ जाती है, वही स्थान खास हो जाता है जहां हमें परमात्मा की याद आ जाती है। और बेशक स्थान क्यों ना विशेष हो, लेकिन अगर हमें दुनिया की याद आती है तो वो स्थान विशेष नहीं होता।
आचार्य मानतुंग ने ये साबित किया, जहां पुकारो वही मंदिर है, जहां पुकारो वही दिलवर है। मंदिर के निर्माण में विधि और विधान किए जाते हैं, लेकिन परमात्मा तभी उतरता है जब हम समाधान में होते हैं। समाधान में होते, समस्या में नहीं, समाधान में होते। जब भी हम समाधान में होते हैं परमात्मा निकट रहता है। जब भी हम समस्या, क्योंकि संसार की समस्या होती है, ये जो संसार है ये समस्याओं की जड़ है, समस्याएं संसार की हैं, समाधान परमात्मा का है। अगर परमात्मा के निकट आ गए तो समाधान होगा ही होगा, क्योंकि वहां सिवाय समाधान के कुछ है ही नहीं। जब तक समस्याओं से जुड़े हो आप परमात्मा को नहीं पुकार पाओगे, क्योंकि समस्या हावी है, समस्या प्रभावी है, मोहनीय कर्म प्रबल है, भक्ति कमजोर है, आसक्ति मजबूत है। इसलिए भक्ति हमें भगवान से नहीं जोड़ पाती। तो मैं तो आश्चर्य मानता हूं, इसलिए इस भक्तामृ की भाव यात्रा करने में मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं तो कृतज्ञ हूं आचार्य मानतुंग का कि तुमने वो पगडंडी बनाई, जिस पगडंडी पे चल करके हमको भी भक्ति का आनंद मिल रहा है। पगडंडी तुम्हारी, यात्रा हमारी, रास्ता तुम्हारा, रहा हमारी, रहा तुम्हारी चाल हमारी, ये जो चीज है। क्योंकि रास्ता तो भैया दोनों तरफ है, संसार का भी रास्ता है और भगवान का भी रास्ता है, मिथ्यात्व का भी रास्ता है तो सम्यक्त्व का भी रास्ता है। जब परमात्मा की याद आती है तो सम्यक्त्व की राह पर अपने आप चल पड़ते हो, चलना नहीं पड़ता, चल पड़ते हो। उनकी याद में ही इतना जादू है। तो लीजिए पहले 13वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा डुबकी मारने की कोशिश करते हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी, निःशेष निरजित जगत त्रितयोपमानम्, बिंबम कलंक मलिनम क्वनिशाकरस्य, यदवासरे भवति पांडुपलस्य कल्पम्, यदवासरे भवति पांडुपलस्य कल्पम्। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम्, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद्वाशरे भवति पांडुपलास्य कल्पम्। जय हो। हे आचार्य मानतुंग, तुम्हारी उपमाएं क्या मिलान करते हो आप। प्रभु में डूब करके क्या समाधान देते हो आप। इस पंचमारे में भी आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच गए। आपकी अपूर्व भक्ति को नमन करता हूं प्रभु।
हे आचार्य प्रवर, आपकी जिह्वा को, आपकी भक्ति को, आपके भावों को, आपकी अभिव्यंजना को, शब्दों की संयोजना को, सब एक में एक हो गया, एक रूप हो गया, सब कुछ रचता चला गया, सजता चला गया, बंधता चला गया। सुर नर उरग नेत्रहारी, अब देखिए इन तीनों शब्दों में तीन लोग की चर्चा आ गई है, सुर नर उरग। यानी हे प्रभु, देव क्या, मनुष्य क्या, उरग, उरग कहते नाग कुमार, नाग कुमार सब नीचे हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं चाहे शकेंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, और चाहे धर्मेंद्र हो, या नीचे का जो देव होता है, नाग कुमार देवता होते हैं, चाहे वो हो, ये तीनों जब आपको देखते हैं, नेत्रहारी, नेत्रहारी यानी आंखों को बांध के रख देते हैं, आपकी सूरत इतनी खूबसूरत, आपके दीदार इतने लाजवाब, देव क्या, मनुष्य क्या, नाग देव क्या, सभी के नेत्र का हरण कर लेते हो आप। नेत्र का हरण का मतलब है अब नजर मेरे बस में नहीं रही, यानी अब मैं चाह करके भी इधर उधर नहीं देख पा रहा हूं, बस देख लिया तो देख लिया, यानी आपको देखने के बाद कहीं नजर जाती ही नहीं, किसी और को देखने का दिल करता ही नहीं। आचार्य मानतुंग ने एक ही लाइन में तीन लोक की चर्चा कर दी, यानी तीनों लोक में आप अद्भुत हो, तीनों लोक में आप अद्वितीय हो। हो भी क्यों ना, निशेष निरजित जगत त्रितयोपमानम। निशेष कहते समस्त, समस्त कुछ बचाई नहीं, बचाई नहीं, निशेष समस्त। निर्जित, निर्जित यानी पराजित, निर्जित यानी जीती हुई। किनको, जगत त्रितयोपमानम, तीन लोक की जगत त्रितय, तयोपमानम उपमानम उपमाएं, यानी तीन लोक की जितनी भी श्रेष्ठ उपमाएं हैं, उन उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है, यानी सारी की सारी संसार की जितनी भी उपमाएं हैं, सब उपमाएं आपके आगे छोटी पड़ती हैं। हाँ, आप उनसे बहुत आगे हो चुके हो, सब उपमाएं लास्ट में ऐसा लगता है ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, इनसे तो भगवान बहुत आगे, मैं उपमाएं तो देता हूं लेकिन कोई उपमाएं आपके साथ बैठती नहीं, क्योंकि आप अनुपम हो, क्योंकि आपने तीनों लोकों की उपमाओं को जीत लिया है, पराजित कर दिया है, यानी आपके आगे वो उपमाएं कहीं टिकती ही नहीं है। हम टिकाने की कोशिश करते हैं लेकिन टिकती ही नहीं, यानी तीन लोक की समस्त उपमाओं को जीतने वाले देव मनुष्य नाग कुमार की आंखों को आकर्षित करने वाले, उनकी नेत्र ज्योति को अपने से जोड़ने वाले,
ते वक्त्रम क्वा, ते कहते ने तुम्हारा, वक्त्रम कहते हैं ये चेहरा, ये शरीर, कहां तुम्हारा चेहरा और कहां बेचारा वो निशाकर, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, कहां आपका अद्भुत नुरानी चेहरा, कहां आपका दमकता चमकता दिव्यमान चेहरा और कहां बेचारा वो चंद्रमा निशाकर। सूर्य को दिवाकर कहते हैं क्योंकि दिन का मालिक है वो, दिन करने वाला है वो, दिवाकर है वो, निशाकर है। चंद्रमा को निशाकर कहा है क्योंकि चंद्रमा का संबंध रात से ही है, रात्रि से ही है, दिन का संबंध दिवाकर से है, सूर्य से है। दिन की जहां बात आती है सूरज अपने आप आ जाएगा और चंद्रमा की जहां बात आती है वहां रात अपने आप आ जाती है। तो बोल रहे हैं कि बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य, कहां वो चंद्रमा जिसमें हरिन और सस खरगोश के चिन्ह नजर आते हैं, मलिन नजर आता है, बिंब नजर आता है, कलंक नजर आता है क्योंकि दाग है उसके अंदर, चंद्रमा में दाग नजर आ रहा है, कहां दागदार चेहरा। और एक और मजबूरी बिचारे चंद्रमा की, यदवासरे भवती पांडु पलाश कल्पम, जैसी वो बिचारा जो चंद्रमा है ना वो रात्रि में ही चमकता है बिचारा, दिन निकलते ही सूरज के निकलते ही सूरज के आते ही पांडु पलाश कल्पम, पलाश पत्र के समान पीला पड़ जाता है, ढाक के पत्ते के समान पीला पड़ जाता है, या यूं कहूं पतझड़ के मौसम में जैसा पत्ता पीला पड़ जाता है वैसा ही हो जाता है बेचारा। दिन में देखो जोर गोर से देखो तो चंद्रमा बेचारा नजर आता, वो भी फीका फीका। यह है इस श्लोक का अर्थ। देखो काल कोठड़ी के काले अंधकार में अगर ऐसे प्रकाश पुंज से जुड़ जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो ट्यूबलाइट है बेचारे पावर हाउस के हाथ में है, राइट नौका जी, अब तो हम इन्वर्टर भी लगा ले हुए हैं, जनरेटर भी चला ले हुए हैं, पर जनरेटर भी तेल के अधीन है भैया, तेल है तो जनरेटर, तेल खत्म तो वो भी खत्म, इन्वर्टर में भी पावर जब तक है तभी तक है वो भी, यानी सब कितना भी तुम कर लो भैया, लेकिन जिसके पास अरिहंत सिद्ध परमात्मा की ट्यूबलाइट है उसके अंदर कभी अंधेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये वो लाइट है, ये वो प्रकाश है, जो प्रकाश किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि परमात्मा कभी आत्मा तो बनेगा नहीं, कभी शरीर तो धारण करेगा नहीं, वहां तो सदैव उजाला ही उजाला है, वहां तो अंधेरा है ही नहीं, वहां तो अंधकार है ही नहीं, वहां तो अंधत्व नहीं है, इसलिए अंधकार कहते हैं। अंधकार उसको कहते हैं आंखों वाला भी जहां अंधा हो जाए उसको अंधकार कहते हैं, आंख के होते हुए भी हमें कुछ दिखाई ना दे उसे अंधेरा कहते हैं। हमारी आंखों में मोतिया बिंद भी उतर जाता है, अंदर रोशनी है लेकिन वो रोशनी ढक दी गई है, अब वो उतारो जी, ऑपरेशन कराओ, रोशनी आए ना आए। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि जिसके अंतर में
परमात्मा का प्रकाश है, उसकी रोशनी में आप अपनी आत्मा देख सकते हो। तभी तो इलेक्ट्रिसिटी की रोशनी में आप केवल पदार्थ देख सकते हो, अंधकार में पदार्थ देख सकते हो, लेकिन परमात्मा की रोशनी में आप आत्मा देख सकते हो। परमात्मा की रोशनी में आप परमात्मा देख सकते हो। तभी तो आचार्य मानतुंग के लिए वो काल कोठड़ी वरदान बन गई। उस काल कोठड़ी में आकर के वो कहने लगे कि आपने मुझे बहुत अच्छी जगह पहुंचा दिया। हाँ, यहां हम और तुम ही है, तीसरा है ही नहीं। अब परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति इतना सकारात्मक हो सकता है, और इतना सकारात्मक व्यक्ति ही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। दूसरी बात ये, चंद्रमा को ही ले लेते हैं, हम सब चंद्रमा के समान हैं, इसको सुनो, हम सब चंद्रमाओं के समान हैं और हम सब उपमाओं से जुड़े हुए हैं। परमात्मा हमारी उपमाओं से बाहर हो चुका है, क्योंकि चंद्रमा रात के अधीन है, चंद्रमा रात को चमकता है, दिन में फीका पड़ जाता है। अब हमारी साथ चंद्रमा की उपमा कैसे करोगे बताओ? जब हमारे साथ पुण्यवाणी का योग होता है तभी हम खिले खिले रहते हैं, राइट? जब हमारे लिए समय अनुकूल रहता है हम बड़े खुश रहते हैं, चमकते रहते हैं। जहां दूसरी बुरी खबर आई, चेहरा उतर गया। हाँ, आपने देखा, हमारा चेहरा भी उतर गया था। बाबा बीमार हुए तो हमारा भी चेहरा उतर गया। मतलब हमारे चेहरे की चमक और दमक और फीकापन सब पुण्य और पाप के ऊपर टिका हुआ है, और परमात्मा इस पुण्य पाप के पचड़े से पार हो चुके। ये विशेषता है परमात्मा, और ये परमात्मा ही बोलता है, अरे पुण्य पाप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। पुण्य किया है सुख मिलेगा, पर इतराना मत। ये पुण्य जितने समय तक है उतने समय तक ही सुख रहेगा, जब पाप कर्म का उदय आएगा तो ये सुख दुख में बदल जाएगा, फिर दुख से भी घबराना मत। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, ये भगवान अपने जीवन से बोलते हैं कि जब तक योग है संयोग है सबके साथ जुड़े हो, जब वियोग आएगा तो तू चला जाएगा या तेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा। जब तक योग है तब तक संयोग है, जब योग नहीं होगा तो सब बिछुड़ जाएंगे। ये आत्मा भी इस शरीर के साथ जब तक योग है तभी तक जुड़ी है, जब तक आयुष्य कर्म है तब तक जुड़ी है यह आत्मा। लेकिन कुछ विशेषताएं बतला देता हूं। परमात्मा को भी या परमात्मा की आत्मा को भी, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, परमात्मा की आत्मा को भी परमात्मा बनने के लिए शरीर का सहारा लेना पड़ता है। किसका? क्योंकि कोई परमात्मा कोई अरिहंत, क्योंकि सिद्ध बनने से पहले अरिहंत होना बहुत जरूरी है। बिना अरिहंत बने कोई सिद्ध नहीं हो सकता, ये डेफिनेट है। इसके अंदर कोई नियमावली में कोई अंग और भंग नहीं है। केवली मतलब सिद्ध होने से पहले केवली होना जरूरी है, इसको हम कहते हैं कि सिद्ध होने से पहले अरिहंत होना जरूरी है। लेकिन यह भी तो क्या है, अरिहंत होने से पहले संत होना भी तो जरूरी है। अब तीन चीजों का कनेक्शन शरीर से ही तो जुड़ा हुआ है, चाहे वो श्रावक और श्राविका हो, चाहे वो साधु और
साध्वी हो और चाहे वो अरिहंत हो, इन इन सब का कनेक्शन किससे है? शरीर से। शरीरधारी ही श्रावक और श्राविका होता है, शरीरधारी ही संत और साध्वी होता है, शरीरधारी अरिहंत होता है। लेकिन एक चीज है कि श्रावक और श्राविका और साधु और साध्वी उसी जन्म में अरिहंत बने, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन उस जन्म में अगर अरिहंत से जुड़ने का सतत अभ्यास जारी रहा और सम्यक तो आ गया किसी तरह से, ये बोल, ये जरूर शब्द जोड़ करके चलना है हम लोगों को चाहिए कि ये जो सम्यक तो है, ये जो समकित है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप या मैं, कोई हो, आप या मैं संप्रदाय के राग में आकर अगर हम भेदभाव करते हैं तो एक बात निश्चित हो गई कि मेरा सम्यक बड़ा कमजोर है, बल्कि मिथ्या तो बड़ा प्रबल है। ये जो मन में द्वेष आता है, भेदभाव आता है, ये संकित में नहीं आता। जब भी भेदभाव आवे, चाहे मेरे में चाहे आप में, उस वक्त जरूर जाग जाना कि मैं मिथ्यात्व की परूपना कर रहा हूं या मिथ्यात्व में विचरण कर रहा हूं, मैं मिथ्यात्व में विहार कर रहा हूं। सम्यक तो दूर है मेरे से, दूर है, क्योंकि मिथ्यात्व ही भेदभाव करना सिखाता है, सम्यक तो हमें संभाव में लाना सिखाता है, संभाव हमें गुण दृष्टि बनाता है, बुराई में भी कुछ गुण छुपे हुए हैं जो हमें सम्यक दिखाता है, अच्छाइयों में भी अगर बुराई का एहसास कराता है तो मिथ्यात्व है। अगर इस मिथ्यात्व के साथ अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं उस अरिहंत परमात्मा का आनंद नहीं ले सकता, उनके अद्भुत अद्भुत वातावरण का आनंद नहीं ले सकता। तो इसलिए एक चीज जरूर याद रखना, परमात्मा बनने के लिए इस आत्मा को किसका सहारा लेना पड़ता है? राइट। शरीर को पवित्र करने के लिए हमें तपस्या का सहारा लेना पड़ता है। वो तपस्या एक तरह की नहीं बतलाई, 12 प्रकार की बताई। कभी कभी ये भी गलत फहमियां हो जाती है हमको, भाई उपवास करें तो ही तपस्वी हम, एकासना करें तो ही तपस्वी हम। नहीं 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 नहीं, एक रूप दिया ही नहीं भगवान ने। सबसे छोटा तपस्या, छोटा तप अनशन तप है, सबसे छोटा। हाँ, उसकी शुरुआत नौकारसी से होती है, उसका रूप बढ़ता जाए, नौकारसी पोरसी में चली जाए, पोरसी डेढ़ पोरसी में बदल जाए, दो पोरसी में बदल जाए, एकासने में बदल जाए, व्यासने में बदल जाए, आयन बिल में बदल जाए, उपवास में बदल जाए, तो वो अनशन वहां पे, क्योंकि अनशन तो वहां पर पहुंच गया है जहां अनजल का त्याग करते, बस अनजल को शरीर से दूर कर देते, वो अनशन कहलाता है, अनजल का त्याग अनशन कहलाता है। लेकिन उसके बाद एक चीज और भी बतला दी, 12 प्रकार के, भाई तुम अनशन नहीं कर सकते, मत करो, उनोद्री कर लो। तो मैं समझता हूं कि अनशन से बड़ा तप तो उनोद्री भी आ गया, क्योंकि उसके बाद जो भी तप आ रहा है वो उससे बड़ा होता जा रहा है, उसकी क्लास है भैया। लास्ट वाला तप तो महान तप है, उसकी क्लास है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो अनशन तप के बाद ही उनोद्री आता होगा, ये तो आप जानते होंगे। उनोद्री में क्या है, कमाल की बात है कि भूख से कम खाना, कमाल कर दिया भगवान ने, क्या गजब किया। क्योंकि जब आदमी स्वाद के चक्कर में पड़ता है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, कंट्रोल नहीं होता, और वो कंट्रोल करना वही कर सकता है जो अपने स्वास्थ्य को जानता है, जो जानता है कि कहीं अति भोजन कहीं मुझे विकारी ना बना दे। कितना गजब की बात है, कहां तक पहुंच गया वो बंदा कि कहीं ये अति मात्रा का भोजन मेरे अंदर आलस्य और प्रमाद को ना भर दे।
कहीं मेरी साधना को भंग ना कर दे, कहीं ये जीव का स्वाद परमात्मा के स्वाद से वंचित ना कर दे। अगर मैं जिह्वा पर भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो जीवन में कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, कैसे संयम रख पाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर की शुद्धि के लिए तप का सहारा लेना पड़ता है, और तप की शुद्धि के लिए, अब देखो तीसरा शब्द आया, तप की शुद्धि के लिए संयम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिना संयम के तपस्या में शुद्धि आ ही नहीं सकती। संयम फिर आ गया, और संयम की शुद्धि के लिए अहिंसा धर्म को स्वीकार करना पड़ता है, अहिंसा की पालना करनी पड़ती है, और अहिंसा की पालना के बाद ही जो अद्भुत बोला गया वक्त्रम क्वेतेस सुर नरो रग नेत्रहारी, कितनी साधना की होगी उन्होंने अहिंसा भगवती की, तब जाकर के वो वंडरफुल ब्यूटी, वंडरफुल ब्यूटी, जिस रूप के ऊपर देवता भी मोहित हो जावे, जिस रूप के आगे चक्रवर्ती की संपदा भी शर्मा जावे, कामदेव की मोहनी मूरत भी लजा जाए, ये वहां से मिली है, ये संपदा वहां से मिली है। क्या पैमाना है, क्या रास्ता दिया है, वाह प्रभु, वाह आचार्य प्रवर, मानतुं आप जैनत्व के कितने पारगामी आचार्य हुए हो, जिनेंद्र देव की उपासना कितनी निकटता से तल्लीनता से की है आपने, जिनेंद्र देव की बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को आपने सामने लाकर के रख दिया, ये वंडरफुल ब्यूटी जो मिली है ना, गजब की रे गजब की। एक वर्णन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो सुना हो कि जिस वक्त वर्धमान का जन्म होता है और उनका जन्माभिषेक करने के लिए जब सुमेरु पर्वत के ऊपर वो जाते हैं, पांडु शिला पर लेटाते हैं, गोद में अपने बैठाते हैं, और इंद्राणी लेकर बैठी हुई है, और उनको स्नान कराने के बाद वो शरीर जब साफ कर रही है, पूछ रही हैं, तो उनके गाल के ऊपर बार बार वो वस्त्र बार बार फेरा रही है, फिर कहती है ये पानी की बूंद क्यों नहीं जाती, ये पानी की बूंद क्यों नहीं जाती, वो पानी की बूंद चमक रही है, गाल के ऊपर पानी की बूंद चमक रही है, और वो परेशान हो गई। इंद्र ने देखा क्या हो गया, नुके ये बूंद ही नहीं जाती, तब वो देखा, नुके ला मुझे दे, जैसे मुझे उन्होंने इंद्र ने वर्धमान को अपने हाथ में लिया तो बूंद गायब। तब कहा इंद्राणी ये तेरी नाक में जो मोती है ना, वो मोती चमक रहा था भगवान के गाल पर, और वो गाल पर ऐसे चमक रहा था जैसे पानी की। क्या जब इंद्र ने उस रूप को देखा तो कहते हैं भगवान का रूप देखने के लिए उसने अपनी हजार आंखें बनाई उस रूप का दीदार करने के लिए, उस रूप का दीदार पाने के लिए, तो भी वो तृप्ति नहीं हो पाई। इतना अद्भुत रूप किसकी वजह से, अहिंसा की वजह से। तभी तो कहते कि शरीर भी जरूरी है, तपस्या भी जरूरी है, संयम भी जरूरी है, और अहिंसा भी जरूरी है। अहिंसा का मतलब क्या समझे आप, अहिंसा का मतलब है मैत्री भाव, और कुछ मत अर्थ लगा लेना इसका। अहिंसा का मतलब, क्योंकि हम हिंसा कर ही नहीं सकते, कब नहीं कर सकते, जब हमारे अंदर मैत्री, मोहनीय कर्म में हिंसा कर सकते हो, एक के लिए दूसरे को मार सकते हो आप, लेकिन मैत्री भाव में हिंसा के भाव नहीं आते। मैत्री भावना के अंदर ही, क्योंकि अहिंसा संयम और तप अगर एक ही शब्द में समाहित होते हैं तो उसका नाम है मैत्री भाव। मैत्री भाव में अहिंसा भी है, मैत्री भाव में संयम भी है, और मैत्री भाव में तपस्या भी है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि
जैसे दसवें कालिक सूत्र की पहली गाथा ये वो धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमोत्तमो देवावितम नमम संति जस्य धम्मे, ये ऐसे नहीं कहा उन्होंने, ये इसलिए कहा इस जगत के अंदर उत्कृष्ट मंगल अगर कोई है, धम्मो मंगल मुक्तितम, इस जगत में कोई भी उत्कृष्ट मंगल है तो वो धर्म है, लेकिन कौन सा? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप, और ये चीजें मैत्री भाव से जुड़ी हुई हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़ी हुई हैं। देवा वित्तम नमम संति, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं, किसको? जस्य धम्मे। तो आज पता चल गया, बहुत सारी व्याख्याएं इसके अंदर, जब हम उनके बल की चर्चा करते हैं तो आप देखना कि कहते कि 12 मनुष्यों में जो इलेक्टिव या कलेक्टिव एनर्जी है, 12 मनुष्यों की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति एक बैल में होती है, वृषभ में होती है। आप समझ रहे हो, 12 लोगों को वो आराम से ढो करके ले जा सकता है, अगर बैलगाड़ी हो और उसमें, अब इसको इसी ढंग से न्यूतने एक बैल के ऊपर 12 आदमी बैठ जाएंगे, पर लेकिन बैलगाड़ी वो 12 लोगों को आराम से ले जा सकता है। तो 12 लोगों में जितना बल है, जितनी ताकत है, उतनी ताकत एक बैल में। आगे कहा 10 बैलों में जितनी ताकत है उतनी ताकत एक घोड़े में होती है, 10 बैलों में जितनी ताकत है उतनी ताकत एक घोड़े में होती है, और 500 घोड़ों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक हाथी में होती है, 500 घोड़ों में जितनी ताकत उतनी ताकत एक हाथी में, और 10 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक शेर में होती है, बब्बर शेर में, और 500 शेरों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक बलदेव में होती है, 200 बलदेवों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक वासुदेव में होती है, और 10 लाख वासुदेवों में जितनी ताकत होती है, कितनी? 10 लाख वासुदेवों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है, और 1 करोड़ देवताओं में जितनी ताकत होती है, 1 करोड़ देवताओं में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत एक इंद्र में होती है, इंद्र में, और 3 लोकों के इंद्रों में जितनी ताकत होती है उससे अनंत गुना ताकत एक तीर्थंकर में होती है। आप कंपैरिजन तो करो कि सबको पीछे छोड़ दिया और इतनी जो ताकत मिली है मालूम है किससे मिली है? यह सहन शक्ति से मिली है। इसलिए कहते कि कोई शक्ति इतनी बड़ी नहीं होती जितनी शक्ति सहन शक्ति बड़ी, कर्मों की निर्जरा सहन शक्ति से होती है। इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति सहन करना जानता है वही मुक्ति के निकट होता है। मैं तपस्या कितनी भी कर लूं लेकिन मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो मैं कभी मुक्ति का आनंद नहीं ले पाऊंगा। आपका समय हुआ तो उनका अनंत बल, अनंत रूप, अद्भुत, मेरे बंधुओं कभी कभी इस मोमेंट को, इस पलों को, इन क्षणों को जरूर सराहना कि वाह, आई एम मोस्ट लक्की, मैं बहुत भाग्यवान हूं। कि मेरे कानों के अंदर जिनेंद्र देव भगवान ऋषभ देव की महिमा का गीत आ रहा है, इस गीत को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, और साथ में आचार्य मानतुंग को भी मत भूलना कि उनकी अद्भुत भक्ति ने इस अमृत रसायन को पैदा किया है, और ये रसायन में
ये रसायन तभी बनाए जब उनमें अद्भुत सहन शक्ति थी। और सहन शक्ति किस लिए आई? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए थे, वो उनको भक्ति से फुर्सत मिले तब वो अपने अपमान को देखे, तो वो तो भगवान की भक्ति में इस कदर डूब गए को तो सब कुछ भूल गए। तो कभी किसी की मोहब्बत में सहना सीखिए। प्रभु महावीर का जयकारा तो हम भी लगाते हैं, पर लेकिन सहन शक्ति के मामले में हम जीरो हैं उसके आगे, उनके आगे जीरो हैं, जीरो। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले